हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज हम लोग करने वाले हैं रोटेशनल मोशन। 31 ईयर वाले प्रॉब्लम करेंगे रोटेशनल मोशन का। थोड़ा रोटेशन मोशन से मेडिकल वाले थोड़ा सा, मतलब बहुत सारे बच्चे, सभी नहीं, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, ठीक है। अच्छे बच्चे, कुछ बच्चे डरते हैं इससे, ठीक है। अरे डरना नहीं यार, कभी भी जिंदगी में प्रॉब्लम आए तो डरोगे क्या यार, ठीक है। एक्सेप्ट द चैलेंज। कोई ऐसा दुनिया का प्रॉब्लम नहीं यार जो तुम्हारे सामने और तुम्हारे सक्सेस को रोक सके, अगर ऐसा सोचोगे तब। तो जो समझ में नहीं आता है उसको समझने की कोशिश करो और फिर से ट्राई करो। बहुत आसान है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्वेश्चन आता ही आता है, टॉर्क से क्वेश्चन आता ही आता है, एंगुलर मोमेंटम से क्वेश्चन आता ही आता है। तो तीन चार टॉपिक हैं जिसे क्वेश्चन अक्सर पूछा ही जाता है, ठीक है। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं 2020 में। देखो कितना आसान क्वेश्चन आया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है कहता है टू पार्टिकल है हम लोगों के पास, कहता है ये जो है टू पार्टिकल है, एक का मास 5 केजी का है और एक का मास 10 केजी का है। चलो तो एक पार्टिकल 5 केजी का है और एक पार्टिकल 10 केजी का है। उसे थोड़ा बड़ा बना देता हूँ जिससे आपको पता चले कि हाँ सच में 10 केजी का है, ठीक है। अब ये कहता है एक रॉड, ये दोनों एक रॉड से अटैच है, रॉड जो है वो मास लेस है यार। ये जो रॉड है दैट इज 1 मीटर, 1 मीटर बोले तो 100 सेंटीमीटर का रॉड है और वो क्या है, एक मासलेस रॉड है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये कहता है कि यहाँ से 5 केजी वाले से सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, कितनी दूरी पर होगा। यहाँ पे मैं ओरिजिन सेट कर दूँ 0.0, कहीं पे आप सेट कर सकते हो जहाँ आपको अच्छा लगे, मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा। तो अब अगर सेंटर ऑफ मास लॉजिक से देखोगे तो अगर ये दोनों मास इक्वल होते तो सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे 50 सेंटीमीटर पे होता, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर ऑफ मास ये जो है वो हैवियर वाले के पास लाई करता है। तो ये ज्यादा हैवी है, इसका मास ज्यादा है, तो सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट से थोड़ा सा आगे इधर ही कहीं आएगा। मतलब थर्ड ऑप्शन किसी भी कंडीशन में सही नहीं हो सकता, ठीक है, और फर्स्ट ऑप्शन कभी भी सही नहीं हो सकता। हो गया 50-50% ऑफ सक्सेस हो गए। चलो तो अब एक्चुअल में कहाँ है वो हम कैलकुलेट कर ही लेते हैं। तो सेंटर ऑफ मास का क्या फार्मूला भैया, m1x1 प्लस m2x2 और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। m1 क्या है, मास, और x1 क्या है, m1 के सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो चलो तो ये पॉइंट है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहीं आ गया, ये आ गया 0 और वो आ गया 10 मल्टीप्लाइड बाई 1, 10 और डिवाइडेड बाई 15, ठीक है। इसका मतलब ये आया 10/15, इसका मतलब ये हुआ कि 2/3, तो 2/3 मीटर में है, तो सेंटीमीटर में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब यह आ जाएगा 66.66, मतलब राउंड अप करने पे 66.7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यहाँ से चले जाओगे 66.7 सेंटीमीटर, वहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा, दैट इज सेकेंड ऑप्शन सही है, थर्ड गलत है,